ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि वृष राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। वृष राशि, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो कि इस महीने थर्ड हाउस में कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ की बात करें ना, इस महीने आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, जिसका पूरा इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर रह सकता है। तो इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस महीने आपको पैरों से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, मेडिटेशन जरूर करें और अपनी फैमिली के साथ समय जरूर बिताएं। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफी हार्डवर्क से भरा रह सकता है, एनर्जी से भरा रह सकता है। आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज में भी रह सकता है, लेकिन इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई भी अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों को खेलते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कि मैरिड कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। मैरिड कपल्स के लिए ये जो महीना है ना, लव अट्रैक्शन से भरा रहेगा, लेकिन इस महीने आपको थोड़े से एटीट्यूड को, अपने बिहेव को थोड़ा कंट्रोल में रखकर चलना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो बड़ी समझदारी से, बड़े पेशेंस के साथ अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो स्थितियां आपके कंट्रोल में ही रहने वाली हैं। अब बात करते हैं कि लव कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। लव कपल्स के लिए जो महीना है ना, आपके रिश्तों में भटकाव ला सकता है, तो इस महीने आपको इन चीजों से बचकर चलना होगा, अपने आप को नेगेटिव थॉट से बचाकर चलना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि बिजनेस वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए महीना जो है ना, बहुत क्रिएटिविटी से भरा रह सकता है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं, और जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने के चांस है। बस आप अपना थोड़ा सा अग्रेशन अपने कंट्रोल में रखकर चलेंगे तो स्थितियां और भी ज्यादा बेटर रहेंगी। अब बात करते हैं कि जॉब वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए महीना जो है ना, कंफ्यूजन से भरा रह सकता है। कोई भी डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो कोशिश करें कोई भी कार्य करने से पहले आप सलाह जरूर ले लें। एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर साइन करने से पहले उसको क्रॉस चेक जरूर कर चलें। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो महीना है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, आप गौ सेवा जरूर करें, माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें, साथ में पीपल के पेड़ की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय। और अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।